प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अमेरिकी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसकी खास विशेषताओं और गुण दोषों के बारे में पढ़ा। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रशासन है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम क्या है बिंदुवार देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह सुदृढ़ है, कुशल है, आधुनिक प्रवृत्तियों से युक्त है। स्वाभाविक रूप से इस प्रशासनिक व्यवस्था पर संविधान तथा शासन प्रणाली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, इनको क्या हम बिंदुवार देखते हैं। पहली जो विशेषता है वो है लोकतांत्रिक व कल्याणकारी स्वरूप। कैसे है ये? अमेरिकी लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों से प्रभावित है, क्योंकि संघीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रपति तथा राज्यों में गवर्नर जो हैं, राज्यों के गवर्नर जो हैं, उनका चयन जो है वो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार विधानमंडलों में जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन भी जनता ही करती है। ये जनप्रतिनिधि प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के क्या है कानून बनाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से शासन की सारी शक्तियां जनता में समाहित है। इसी प्रकार अमेरिका में नागरिकों के कल्याण, विकास और सुरक्षा का जो जिम्मा है वो प्रशासन के कंधों पर है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की न्यूनतम तथा मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, परिवहन, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सब हैं इनकी पूर्ति सरकार की सहायता से, इनकी पूर्ति में क्या है सरकार सहायता करती है। लोक प्रशासन द्वारा संचालित सामाजिक सेवाओं में शिथिलता जो है किसी भी स्तर पर सहजता से वहाँ पे स्वीकार्य नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्या है जनता में सारी शक्तियाँ मानी जाती है और जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनमें क्या है जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में प्रशासन और सरकार क्या है सहायता करती है। तो इस प्रकार से क्या है इसका स्वरूप जो है लोकतांत्रिक और कल्याणकारी है। दूसरी जो इसकी विशेषता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसमें हम बता सकते हैं कि आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में विधि का शासन क्या है पहली आवश्यकता है। जैसे भारत में भी है, या हमारे देश में क्या संविधान सर्वोपरि है, संविधान के अनुसार शासन होता है। विधि के शासन का मतलब यही होता है कि जिसमें कानून क्या है सर्वोच्च रहता है और व्यक्ति या संस्था जो भी है वो क्या है विधि से ज़्यादा उसको महत्व नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी प्रशासन के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, व्यवहार उसी प्रकार निर्धारित किए जाते हैं जैसा कि संविधान में बताए गए आदर्श और कांग्रेस के द्वारा जो पारित कानून हैं उनमें इसका उल्लेख होता है। बहुभाषी है अमेरिका, बहुराष्ट्रीयता, बहु नस्लों, बहुविध संस्कृतियों से युक्त है और सब पर क्या है समान कानून लागू है। फिर भी कुछ मामलों में क्या है विशिष्टता का नियम भी वहाँ पे लागू है। तो इस प्रकार से वहाँ क्या है विधि का शासन है, विधि सर्वोपरि है। तीसरी जो मुख्य विशेषता है वो है संघीय शासन व्यवस्था का प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ संघीय शासन प्रणाली है। भारत में भी संघीय शासन प्रणाली है, अतः केंद्रीय और जो प्रांतीय सरकारें हैं वहाँ पे क्या पृथक पृथक उनका अस्तित्व है। वर्तमान जो संविधान बना अमेरिका का उसके समय 13 प्रांत जो हैं वो संघ में शामिल थे, अब वर्तमान में उनकी संख्या कितनी हो गई है 50। तो अमेरिका में 50 प्रांतीय सरकारें हैं। संघीय विषयों का संचालन केंद्र सरकार करती है और प्रांतीय विषयों का संचालन राज्य सरकार करती है। हमारे भी ऐसे ही है, 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें क्या है 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र बनाता है कानून, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों। तो अमेरिका में भी क्या है संघीय विषय जो है उनका संचालन केंद्र सरकार द्वारा, प्रांतीय विषयों का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, ये बात हमारे यहाँ पे नहीं है।
और उसके हिसाब से ही वहाँ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है निर्धारित है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे क्या है वहाँ पे क्या है एक अलग सिस्टम बना हुआ है। तो संविधान का अनुच्छेद एक है उसमें 8वीं उपधारा जो है उसमें क्या है संघीय विषयों का वर्णन है और जो विषय उसमें वर्णित नहीं है वो क्या है राज्य के विषय माने जाते हैं। इस प्रकार से क्या है वहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था का क्या है प्रभाव है। इसमें कुछ विषय भी हैं जैसे संघीय शक्तियाँ जैसे किन किन मामलों में हैं जैसे संघीय कार्यों के लिए टैक्स लगाना है, राष्ट्र की साख पर क्या है ऋण की प्राप्ति है, विदेशों से व्यापार का नियमन है, मुद्रा है, सिक्के है, विदेशों से संबंध और संधियां हैं, सेना है, नौसेना है, डाक सेवा है, नापतोल का नियमन है, नए राज्यों का निर्माण है, ये सब क्या है केंद्र की शक्तियाँ। राज्यों के पास क्या शक्तियाँ हैं स्थानीय कार्यों के लिए टैक्स लगाना है और राज्य की साख पर ऋण लेना है, राज्य के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार करना है, दीवानी और फौजदारी कानून है, पुलिस है, शिक्षा है, स्थानीय स्वशासन है, समाज कल्याण है, सुधारों का प्रशासन है, राजमार्ग और परिवहन है, निगम जो हैं उनका संगठन और नियंत्रण है। तो ये इस प्रकार से क्या है कुछ राज्य के भी शक्तियाँ हैं। तो ये इसमें क्या है संघीय शासन व्यवस्था है इसमें शक्तियों का क्या है विभाजन किया गया है। अगली विशेषता आती है सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन। क्या मतलब इस बात का कि संघीय स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल और अन्य लोक सेवक क्या है पदस्थापित होते हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल नाम की कोई संस्था नहीं है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से संबंधित विषयों पर क्या है लिखित परामर्श ले सकता है। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने सीनेट तथा सर्वोच्च न्यायालय में कुछ गंभीर प्रकरणों पर परामर्श लेना चाहा किंतु उन्हें उत्साहजनक परिणाम नहीं मिल पाया। बाद में क्या है प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों से लिखित में परामर्श लिया जाने लगा और राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठकें होने लगी और मंत्रिमंडल नामक संस्था का क्या है विकास हो गया। अमेरिकी मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्तियों से होता है जिन्हें सीनेट की क्या है स्वीकृति मिलती है। राष्ट्रपति अपने दल की नीतियों के समर्थक योग्य अनुभवी प्रतिभावान लोकप्रिय व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लेता है। वहाँ पे क्या है मंत्रियों को क्या है अमेरिका में सचिव बोलते हैं, हमारे यहाँ मंत्री बोलते हैं, वहाँ क्या है सचिव बोलते हैं। मंत्री ही राजनीतिज्ञ सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही विभागाध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। मंत्रियों के अधीन लोक सेवा के सदस्य कार्य करते हैं। राज्य विभाग, रक्षा विभाग, राजकोष विभाग, न्याय विभाग बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं और लगभग क्या है 14 विभाग जो हैं वो इसमें अच्छे खासे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। प्रशासनिक विभाग जो हैं उनको भी क्या है आंतरिक रूप से ब्यूरो, डिवीजन, ऑफिस और सर्विसेज में क्या है विभाजित किया गया है। इसके अलावा वहाँ प्रशासनिक विभाग जो है उसके अलावा भी क्या प्रशासनिक विभागों के अलावा कुछ और अभिकरण हैं जैसे स्वतंत्र कार्यकारी अभिकरण हैं, ये राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, सीधे किसी मंत्री के अधीन नहीं होते। जैसे CIA है, NASA है और कुछ स्वतंत्र नियामकीय अभिकरण भी हैं, वो क्या है आयुक्तों के एक मंडल के द्वारा संचालित होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं ये और कार्य में क्या स्वतंत्र होते हैं, इनको वैधानिक दर्जा भी प्राप्त होता है। जैसे संघीय निर्वाचन आयोग है, संघीय रिजर्व बोर्ड है, अंतर्राज्य व्यापार आयोग है। तो इस प्रकार से क्या ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग है, स्वतंत्र कार्यकारी अभिकरण भी हैं, लोक उपक्रम भी हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, अर्ध स्वतंत्र इनको संगठन भी कह देते हैं कई बारी, जैसे टेनेसी घाटी अभिकरण है, डाक सेवाएं हैं, तो कॉन रेल नाम से रेलवे का भी एक संगठन है। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यालय भी क्या है केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण निर्देशन का क्या है बड़ा महत्वपूर्ण मतलब एक संगठन या एजेंसी है। तो
अमेरिका में पेंटागन शहर में क्या अमेरिकी रक्षा विभाग है, वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक इमारत भी है, और उसमें 23,000 कार्मिक क्या एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसके बाद में है कुशल उलझा जटिल व उलझा हुआ प्रशासनिक तंत्र। भारत के समान ही क्या है, अमेरिकी प्रशासनिक तंत्र भी क्या है बहुत उलझा हुआ है, जटिल है, क्योंकि वहाँ पर क्या है अलग प्रकृति विविध प्रकृति के आधार व उद्देश्यों से युक्त क्या प्रशासनिक संरचनाएं हैं। कुछ प्रशासनिक विभाग उनके ब्यूरो और सेवाएं कार्यालय के नाम से क्या बड़ा भ्रांति भी पैदा करते हैं। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर भी है। मंत्रिमंडल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के प्रशासनिक विभागों के अलावा स्वतंत्र कार्यकारी अभिकरण, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, लोक उपक्रम के रूप भी कई प्रकार के हैं, बोर्ड, निगम, आयोग कार्यरत हैं, जो प्रशासनिक जटिलता और विविधता को क्या है प्रदर्शित करते हैं। भारत की तरह अमेरिका में भी क्या है लोक उपक्रमों के नामकरण में भी क्या है बड़ी अस्पष्ट है। जैसे नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन एसोसिएशन एक लोक उपक्रम है। अलग प्रकार के प्रशासनिक संगठनों के होने से क्या है कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के लिए क्या है विधि का निर्माण, नियंत्रण और समन्वय जो है वो क्या है बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जटिल और उलझा हुआ प्रशासनिक तंत्र है। अगला है कुशल कार्मिक प्रशासन। संघीय और केंद्रीय स्तर पर संरचित प्रशासनिक संस्थाओं पर कांग्रेस के कानून क्या है लागू होते हैं, और ये जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं के कार्मिकों को वे कार्य करने पड़ते हैं जो संविधान की संघीय सूची में वर्णित किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय प्रशासन के अधीन लगभग 32 लाख लोक सेवक काम करते हैं, जबकि सभी राज्यों के कार्मिकों के सहित यह संख्या क्या है 3 करोड़ के आसपास हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है वहाँ पे क्या है कुशल कार्मिक प्रशासन तंत्र पाया जाता है, जिसकी कुछ खास बातें हैं। एक तो क्या है वहाँ पे जो लोक सेवाएं हैं उनको क्या है जनरल शेड्यूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और 18 शेड्यूल हैं, 1 से 18 GS बोलते हैं इनको। और अमेरिका में 1978 से क्या है सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस भी वहाँ चल रही है, SES बोलते हैं, वो सर्वोच्च लोक सेवा है। मध्यम और निम्न स्तरीय कार्मिक भी हैं, उनको क्या है व्हाइट कॉलर वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो भर्ती होती है वो योग्यता के आधार पर होती है। और 1978 में क्या है इसमें सिविल सेवा सुधार भी कुछ किए गए थे, और भर्ती की जो आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष है, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं निर्धारित है कुछ पदों के लिए। सेवाकालीन प्रशिक्षण भी है, सेवा पूर्व भी है, कंप्यूटर के प्रयोग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो एक्सपर्ट है उनका क्या है ज़्यादा वर्चस्व है। और जो लोक सेवाएँ हैं वो क्या है परमानेंट कैरियर के रूप में नहीं है, बल्कि बड़ी अवसर मिलने पर क्या है वो नौकरी छोड़ कर देता है, और प्रमोशन में योग्यता और सीनियरिटी दोनों का ही महत्व है। और परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल है वो बड़ा गंभीरतापूर्वक किया जाता है, और वेतन जो है वहाँ पे क्या है हर वीक में दिया जाता है। निजी क्षेत्र की तुलना में लोक सेवाओं में वेतन जो है वो क्या है कम होता है, और वहाँ पे हड़ताल का जो है अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसके लिए क्या एक्ट ऑफ टार्टले अधिनियम 1947 लागू हो गया, उसके बाद वहाँ के लोक सेवकों को हड़ताल का अधिकार नहीं है। और जो कर्मचारी हैं वे उनके जो संघ हैं उनकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है, और सरकार पर दबाव डालने के अलावा सदस्यों की योग्यताओं, ज्ञान और व्यावसायिक आदर्शों में वृद्धि का भी वो क्या है प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है अमेरिकी प्रशासन उन्नत व आधुनिकीकृत क्या है माना जाता है। तो ये इसमें क्या है कुछ अमेरिकी प्रशासन की क्या है खास बातें थी, और इसके बाद में हम क्या है कुछ इसकी शेष और विशेषताएं हैं कुछ, तो उनको हम क्या है बाद में देखेंगे।